बिसम अल्लाह वेलकम बैक टू तो माय चैनल डॉक्टर शेफ़ इट्स मी अस्मा कैसे आप सब लोग उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ आज की मेरी रेसिपी है बहुत ही इजी चीज़ केक और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत आसान है और बनाने का मेथड भी बहुत आसान है लेकिन टाइम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लगता है क्योंकि हमें इसको सिक्स टू एट आवर्स के लिए रेफ्रिजरेट करना पड़ता है बिफोर सर्विंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने लिया है एक हाफ रोल ओरियो बिस्किट्स का और थ्री टू फोर टेबल स्पून मैंने लिया है ये मेल्टेड बटर और ये होम मेड बटर है अनसोल्टेड है तो आ, सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि जो आ, ओरियो बिस्किट है उसकी क्रीम मैं अलग कर दूँगी और बिस्किट अलग कर दूँगी और इस क्रीम को हम वेस्ट नहीं करेंगे इसको हम चीज़ में जब चीज़ केक का बैटर बनाएंगे तो हम इसको उसमें आ, मिक्स कर लेंगे अच्छा ये मैंने क्रश कर लिए हैं बिस्किट्स आप चाहे तो चॉपर में कर लें या जिप लॉक बैग में डाल के और फिर रोलिंग पेन से बेलन से उसको कूट लें और इसमें मैंने मेल्टेड बटर ऐड कर दिया माइक्रोवेव में मैंने इसको थर्टी सेकेंड्स के लिए गरम कर लिया था और मिक्स करके अच्छी तरह फिर मैं ये छोटे ग्लासेस में आप चाहें तो सर्व कर दें या छोटे डिज़र्ट के जो बोल्स होते हैं उनमें डायरेक्ट बना लें और नहीं तो फिर आप एक बड़े बोल में बना लें तो मैं चार ये छोटे डिज़र्ट के ग्लासेस बना रही हूँ और एक में छोटा बोल बनाऊँगी और सब ग्लासेस में मैंने ये वन एंड हाफ़ टेबल स्पून डाला है बिस्किट और उसको मैंने एक एसेंस की बॉटल है उसके मैंने इसको प्रेस कर दिया अच्छी तरह और अब मैं इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अब जो हमने ओरियो की क्रीम थी वो उसके अलावा एक कप मैंने लिया है ये चीज़ क्रीम चीज़ और ये भी मेरा होम मेड है और एक कप मैंने लिया है विपिंग क्रीम और वन फोर्थ कप मैंने लिया है पाउडर्ड शुगर क्योंकि विपिंग क्रीम स्वीट होती है ऑलरेडी और ये मैंने चीज़ इसमें निकाल लिया है बोल में और अब मैं इसको अच्छा सा बीट करूँगी चले फिर बीट करना स्टार्ट करते हैं और इसको तब तक बीट करना है जब तक ये एक स्मूथ सा बिल्कुल पेस्ट ना बन जाए और जो ये जब ये पेस्ट बन जाएगा बिल्कुल यकजान हो जाएगा तो फिर इसमें मैं ऐड करूँगी पाउडर शुगर अभी देखेंगे स्मूथ सा बन गया है तीन चार मिनट के लिए इसको बीट किया है मैंने अब मैं इसमें डाल दी मैंने पाउडर शुगर वन फोर्थ कप जो मैंने आपको बताई है इसको भी अच्छी तरह बीट करेंगे अच्छी तरह ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें डालूंगी वन कप विपिंग क्रीम या डबल क्रीम जिसे कहते हैं और ये नॉर्मल वाली क्रीम नहीं है जो हमें पैकेट्स में मिलती है जैसे नॉर्मल फ्रेश क्रीम होती है ऑल्पर्स और ये सब ये वो आ, क्रीम नहीं है ये डबल क्रीम है या वपिंग क्रीम है और ये इज़ीली अवेलेबल होती है हर सुपर स्टोर पे इसको बहुत ही अच्छी तरह से मैं बीट करूँगी और हाफ़ मैंने अलग कर दिया और हाफ़ में मैं ये कोको पाउडर मिला रही हूँ हाफ़ मैंने इसलिए अलग कर दिया कि वो मुझे वाइट ही रखना था और ये मैंने इसमें कोको पाउडर मिला दिया है वन टेबल स्पून आप चाहें तो ज़्यादा तो भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो और इसको तब तक बीट करना है जब तक इसकी सॉफ्ट सी पीक ना आ जाए मतलब ये आ, आप बोल को उल्टा करें तो ये गिरे ना और आ, आप इसको चाहें तो डायरेक्ट स्पून से भी या आइसक्रीम स्कूप से भी डाल सकते हैं और मैं इसको आ, जिप लॉक बैग में करके और फिर पाइपिंग बैग की तरह मैं इसको ग्लास में डालूँगी ये मैं कॉर्नर्स का कट कर, कर दूंगी और इस तरह से मैं तमाम ग्लासेस में भर दूंगी ये चार ग्लास और एक मैंने बोल बनाया है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये और अच्छी सी लेयर नीचे बिस्किट की होनी चाहिए बिल्कुल पतली सी ना हो और ये इसको स्मूथ कर दिया मैंने इसको भी स्पून से स्मूथ करके और अब मैं इसको सिक्स टू एट आवर्स के लिए रेफ्रिजरेट कर दूँगी अब हम लेंगे एक नॉर्मल जो हमारी फ्रेश क्रीम होती है ऑलपर्स वो लूँगी मैं थ्री टेबल स्पून और ये हाफ कप से थोड़ा सा कम है कुकिंग चॉकलेट तो ये दोनों लेके अच्छा मैं थ्री टेबल स्पून क्रीम लेके और उसको माइक्रोवेव में थर्टी सेकंड्स के लिए गर्म कर लूँगी और अब इसमें मैंने ये चॉकलेट डाल है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी चॉकलेट और ये अच्छा सा चॉकलेट गनाश रेडी हो जाएगा ये बहुत ना बहुत ज़्यादा रनी है और ना बहुत ज़्यादा थिक है और इसको भी मैं उसी तरह बैग में करके और इसके ऊपर इसकी टॉपिंग कर दूँगी और इसको अच्छा सा डालिएगा एक अच्छी सी थिक लेयर ऊपर हो तो बहुत ही मज़े की लगती है और ये मैंने जो बोल में बनाया था उसमें भी मैंने ये डेकोरेट कर दिया ऊपर से और इस तरह से आप ग्लासेस को टैप टैप करके और चारों तरफ इसको ये गनाश को स्प्रेड कर दें इस तरह से चारों तरफ इसकी कोटिंग हो जाए ऊपर से और अब इसको फिर से वन टू तो टू आवर्स के लिए रेफ्रिजरेट करना है अब जो मैंने हाफ़ बैटर चीज़ केक का निकाला था चीज़ और व्हिपिंग क्रीम का तो उसके लिए मैं, मैं दूसरा चीज़ केक मैं बना रही हूँ उसके लिए मैंने लिए मारी बिस्किट जो होते हैं उसका एक हाफ़ रोल और उसी तरह से बिल्कुल इसको भी मैंने क्रश कर लिया है और थ्री टेबल स्पून बटर के साथ मैंने इसको मिक्स करके और इस तरह से सेट कर दिया है अब जो मैंने विप किया था वो पूरा चीज़ केक का बैटर चीज़ और क्रीम और शुगर और हाफ़ उसको निकाल लिया था उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल के उसी तरह से और इसको अब मैं इस पर स्प्रेड कर दूंगी और ये स्क्रैपर्स इस इस से इसको अच्छा सा ऊपर से स्मूथ कर देंगे सरफेस की बिल्कुल और फिर इसको भी सिक्स टू एट आवर्स के लिए मैं रेफ्रिजरेट कर दूंगी उसी तरह से मेल्टेड चॉकलेट लेंगे और गनाश रेडी करेंगे और फिर इसको डेकोरेट करेंगे और इसको भी मैं पाइपिंग बैग में डाल के और फिर इस तरह से स्पाइरल मैंने बना लिया है और एक स्पून की बैक साइड से इसको मैं इस तरह से डिज़ाइन दे रही हूँ और अच्छा सा ये डेकोरेट हो जाएगा इस तरह और ये वाला चीज़ केक भी रेडी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही इजी रेसिपी है नो बेक चॉकलेट चीज़ केक है ये और बताइएगा मुझे कि आपको रेसिपी कैसी लगी इसका टेस्ट कैसा लगा तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फहराऊँगी तब तक के लिए अल्ला हाफिज़